एक YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल इंट्रो होना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल इंट्रो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ऑफलाइन में एक प्रोफेशनल इंट्रो बनाने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, कैमटेसिया। लेकिन इसके लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए। जबकि आप ऑनलाइन में बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक प्रोफेशनल इंट्रो बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के तैयार करने में आपकी मदद करती है। इन वेबसाइट से आप वॉटरमार्क के साथ फ्री में अपने बनाए गए इंट्रो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बनाए गए इंट्रो को HD क्वालिटी में कहीं पर कमर्शियली यूज करना चाहेंगे, तब आपको कुछ पेमेंट करना होगा, जो कि 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर इंट्रो होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन एक प्रोफेशनल इंट्रो अपने YouTube चैनल के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेंडर फॉरेस्ट की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल इंट्रो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रो बनाने के लिए आप यहां क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे। आपके सामने काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप यहां से देखेंगे कि आपको किस तरह का इंट्रो वीडियो क्रिएट करना है। जैसे कि ईशान LLB चैनल पर आपने जो इंट्रो वीडियो देखा था वो कुछ इस तरह का था। तो इस पर हम राइट क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है क्रिएट नाउ का, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ट्यूटोरियल आएगा, आप इसको स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक टेक्स्ट और एक लोगो यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देते हैं, जिसमें आप अपने चैनल का नाम या फिर वेबसाइट या कोई टैगलाइन भी डाल सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका साइज कर देता हूँ 120%। और यहाँ पर आप इसको लाइव देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक लोगो ऐड करना है। लोगो ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी लोगो रखा हुआ है आप बस उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। और यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ फेसबुक गूगल के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ साइन अप पर क्लिक करके एक न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ गूगल पर क्लिक करके अपने अकाउंट से डायरेक्ट साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पर ये खाता चूज करने के लिए बोल रहा है, हम इसको चूज कर लेते हैं। यहाँ इसको हम परमिशन दे देंगे और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हमें लोगो ऐड करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, लोगो चूज करेंगे और ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लोगो आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ से इसका साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ माइनस साइन पर क्लिक करेंगे, साइज कम हो जाएगा। प्लस पर क्लिक करेंगे, साइज इसका बढ़ जाएगा। चेंज इमेज पर क्लिक करके आप लोगो को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। चलिए हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देखिए लोगो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो स्टाइल दिए गए हैं, एक यहाँ पर देखिए येलो कलर में है और एक ब्लू कलर में है। जो कलर भी आपको पसंद है आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर येलो कलर पसंद किया हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे म्यूजिक। म्यूजिक में यहाँ पर आपको पहले से ही काफी सारे म्यूजिक्स मिलेंगे जो आप अपने इंट्रो वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। यहाँ से आप प्ले करके सुनेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप इन सभी म्यूजिक को सुन सकते हैं। जो म्यूजिक भी आपको पसंद आता है बस आप यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। देखिए म्यूजिक यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो यहाँ पर म्यूजिक को अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एक बैकग्राउंड म्यूजिक रखा हुआ है तो आप अपलोड पर क्लिक करके उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, मतलब कि आप यहीं पर अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर आप यहाँ फ्री प्रीव्यू पर क्लिक करके पहले प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो वीडियो कैसा तैयार हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रो वीडियो तैयार हो रहा है, आपको यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर इंट्रो रेडी हो चुका है। अब यहाँ देखिए ये प्ले हो जाएगा। यहाँ हम प्ले पर क्लिक करेंगे और ये प्ले हो गया।
अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और चेंजेस होने चाहिए तो आप बैक टू एडिटिंग पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर और भी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पर जो डाउनलोड होगा, एक तो ये HD नहीं होगा और दूसरे इसमें एक वाटरमार्क होगा जिसमें इस वेबसाइट का नाम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप यहाँ कोई भी एक टेम्पलेट चूज करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट ऐड कर देना है जिसमें मैं यहाँ पर चैनल का नाम डाल देता हूँ। नीचे यहाँ पर एक और हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे जिसमें आप अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि इसका साइज मैं कर देता हूँ 120%, और यहाँ वेबसाइट का भी मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ 120%। इसके बाद यहाँ पर लोगो ऐड करना होगा जिसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहां से लोगों को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहां पर आपके सामने इमेज को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से इसको क्रॉप कर सकते हैं या फिर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसका साइज भी यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए लोगो आ चुका है। इसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे। अब यहां पर भी देखिए तीन स्टाइल दिए गए हैं। जो भी स्टाइल आपको यहां पर अच्छा लग रहा है आप उसी स्टाइल को चूज करेंगे। जैसे कि हम पहला वाला स्टाइल ही चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो या तो आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक दिए गए हैं जो आप यहाँ पर सुन सकते हैं और उसके बाद जो आपको पसंद आए वो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम पहले सुन लेते हैं। यहाँ पर ये म्यूजिक मुझे काफी पसंद आया है तो यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और फ्री प्रीव्यू पर क्लिक करके यहाँ हम अपने इंट्रो वीडियो को पहले जनरेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए वीडियो तैयार हो चुका है और यहाँ पर आप इसको प्ले करके एक बार देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, माय वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी वीडियोस तैयार किए हैं वो सब शो हो जाएंगे। अभी जैसे कि इस वीडियो को हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में डाउनलोड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी क्वालिटी HD नहीं होगी और साथ ही इसमें एक यहाँ पर ये वाटरमार्क रहेगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्री में डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने YouTube चैनल पर या कहीं भी कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। तो कमर्शियली यूज करने के लिए आपको यहाँ HD पर क्लिक करना है और फिर यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वही प्राइस आ जाएगा। अगर आप इसको 360 पिक्सल क्वालिटी में डाउनलोड करेंगे तो आपको 599 रुपीज, जबकि HD 720 पिक्सल क्वालिटी में डाउनलोड करने के लिए आपको 999 रुपीज प्लस GST पे करना होगा। तो जैसे कि हम इसको HD 720 पिक्सल क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पूरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पर फुल नेम, ईमेल आईडी, कंट्री, सिटी, स्टेट, एड्रेस, जिप कोड और इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल 1178 रुपीज पे करना है एक सिंगल डाउनलोड के लिए। मतलब कि हमने जो एक इंट्रो वीडियो बनाया है इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं 1178 रुपीज दे करके HD क्वालिटी में, और इसके बाद हम इसे कहीं भी कमर्शियली अपने यूट्यूब चैनल पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम, यहाँ पर एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल सही तरीके से फिल करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको OTP डालना है जो आपके बैंक की तरफ से आपको सेंड किया जाता है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कार्ड से भी आप पेमेंट करेंगे वो कार्ड आपका इंटरनेशनली इनेबल्ड होना चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। अब देखिए यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम इस वीडियो को अब HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वीडियो को HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उससे वाटरमार्क को रिमूव किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको यहाँ पर वेट करना होगा। सो फाइनली वीडियो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको HD 720 पिक्सल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और अगर आप चाहे तो यहां डायरेक्ट प्ले बटन पर क्लिक करके अपने इंट्रो वीडियो को एक बार चेक भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए HD क्वालिटी में है और साथ ही यहां पर कोई वाटरमार्क भी नहीं है।
सो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रो डाउनलोड हो चुका है। अब हम फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये इंट्रो वीडियो आ चुका है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार कर सकते हैं, उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं और उसको HD क्वालिटी में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में ऑफलाइन एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार करना है तो इसके लिए मैं कैमटेसिया पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कैमटेसिया सॉफ्टवेयर में बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के एक प्रोफेशनल इंट्रो तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।